नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते हैं आने वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरी के बारे में, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की तैयारी में किस प्रकार क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी तैयारी के बारे में। तो आज थोड़ा टॉपिक अपना हटके है कि बहुत से जो स्टूडेंट है उनकी ये कमेंट्स आ रही थी, सर हम जब भी भर्ती देखने जाते हैं किसी वर्दी लाइन की या फौज आर्मी एक्सेट्रा, तो जब भी दौड़ लगाते हैं हम घर पे दौड़ अच्छी लगाते हैं, वहाँ दौड़ पूरी नहीं कर पाते दिए गए समय के में, पेट में गुठले पड़ने लग जाते हैं, हम दौड़ पूरी नहीं कर पा रहे, हमारी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही। तो दौड़ आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे एक्सीलेंट के अंदर आएं, तो ये सही बातें मैं अब इसी वीडियो के माध्यम से आपकी आप करने वाला हूँ। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है सारा मैं इसमें सॉल्व कर दूंगा। और हम कई बार होता है कि हम दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छा दौड़ पाते हैं, परंतु जब भर्ती के लिए जाते हैं और वहाँ दौड़ लगाते हैं तो यहाँ तो हम गिर जाते हैं, हमारे पेट में गुठले पड़ने लग जाते हैं या हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ 200-300 लोग एक साथ दौड़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार दौड़ें, हम वहाँ क्या गलती करते हैं, क्या हमें सावधानी रखनी है, वो सब बातें मैं वो सब पॉइंट में इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स करें, मैं पर्सनली आपकी कमेंट चेक करूंगा और आपको बहुत अच्छे से अच्छा रिप्लाई मैं दूंगा जितनी मेरी कोशिश हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दौड़ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैं रोहित शर्मा आपका फिर से स्वागत करता। तो दौड़ लगाने से पहले आपको करना क्या है, अपनी पहले तो अपने मोबाइल से अपने दौड़ते हुए की वीडियो बनाएं, क्योंकि जब भी दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी का मोनोमेंटम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार दौड़ रहे हैं, तो ध्यान रखें। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखें कि जब आप दौड़ें तो आपका सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए और जबड़े कसे हुए नहीं होने चाहिए, शोल्डर धीरे से और आराम से हों, ठीक है, और थोड़ा सा कानों की तरफ उठे हुए, हाथों की मुट्ठी जो है टाइट बंधे हो। ठीक है, बहुत से देखो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर दिखाएगा टाइट मुट्ठी बांधी हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट पीछे रह जाते हैं। तो टाइट ना हो, आपकी जो फिंगर खुली हो जो अच्छी से हवा को काट सके, पैरों के कदम बिल्कुल आपके हिप्स के नीचे गिरने चाहिए, हिप्स बाहर निकले नहीं होने चाहिए, क्योंकि हिप्स बाहर निकलेंगे तो आपकी चेस्ट बाहर निकल जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जब सीधी होगी तो हल्का सा एंगल आपका बॉडी का आगे झुका हुआ होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखें दौड़ लगाते समय, जो मैंने पॉइंट बताए ये ध्यान रखें, सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए, जबड़ा कसा नहीं होना चाहिए, शोल्डर सीधे आराम से और कानों की तरफ उठे, टाइट मुद्दी नहीं बांधनी, खुले होनी चाहिए फिंगर, ठीक है, हिप्स बाहर निकले नहीं होने चाहिए, बॉडी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स बॉडी में आपकी आपको दौड़ लगानी है, क्योंकि आपकी बॉडी का अधिक अच्छा पोस्चर होगा, अच्छी होगा तो क्या होगा, बॉडी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही होगा, जिससे बॉडी में अच्छा मोनोमेंटम बनेगा और कम एफर्ट में भी ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी और बॉडी में चोट आने के चांसेस भी कम होंगे। तो ये तो था बॉडी का, अब हमने बॉडी का पोस्चर चेक कर लिया, तो आप ध्यान रखें आप एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको बहुत ही तरह से आप तैयारी करें बॉडी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है आपको, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको योग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो ये बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना आप अच्छा दौड़ पाओगे। ठीक है, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। इसके बाद जो प्रोफेशनल रनर होते हैं उनके कदम जब गिरते हैं पर मिनट के हिसाब से गिरते हैं, तो जो प्रोफेशनल रनर होते हैं उनके कदमों जब जमीन पर गिरते हैं तो उनकी स्पीड होती है 170 से 180 प्रति मिनट वो दौड़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कदम कितने गिर रहे हैं, हम पर भाई प्रोफेशनल जो हैं उनके 170-180 हो रहा है तो आपके 120-130 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप दौड़ें तो आपके कदमों जमीन पर कदम गिरने की आप देखें कि कितने कदम आप जमीन पर गिरा रहे हो एक मिनट के हिसाब से, अभी 120-130 हो रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है,
अब एक कदमों की बात होगी, अब हम बात करते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए। जब भी हम दौड़ें तो हमारे कदमों की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो ज़्यादा ना हो। बहुत से होते हैं बच्चे कैंडिडेट सोचते हैं कि छलांग लगाने से हम तेज दौड़ पाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पैरों को दूर पटकोगे तो आपकी बॉडी जल्दी थकेगी। तो करना क्या है, आपके कदम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर गिरें, उसके लिए कदम कम लें, इतने लें आप कंफर्टेबल फील कर सको आराम से, ठीक है। उसके हिसाब से ज़्यादा लंबे कदम ना रखें, नॉर्मल जो कदम है आपके वो रखें, उसके हिसाब से आप दौड़ें। तो जितने ज़्यादा कदम आपके नीचे गिरेंगे उतनी ही ज़्यादा दौड़ आपकी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने होंगे। जैसे 50 मीटर का टारगेट सेट किया आपने, 50 मीटर के टारगेट को आपको 7 सेकंड में पूरा करना है, ठीक है। अब जब 50 मीटर के टारगेट को आप 7 सेकंड में पूरे करने लग जाओ, तो उसके बाद आपको मीटर बढ़ाना है, 100 मीटर करना है, उसको 14 सेकंड में पूरा करना है। जब आपको लगे कि मैं 100 मीटर की दौड़ को 14 सेकंड में पूरा कर पा रहा हूं, तो 14 सेकंड को कम कर दो, 13 सेकंड करें। जब आपको लगे कि मैं 100 मीटर की दौड़ को 13 सेकंड में पूरी कर पा रहा हूं, तो फिर 100 को 200 मीटर कर दें और टाइम 30 सेकंड रख दें आप। क्योंकि छोटे छोटे टारगेट सेट करके हम बड़ा टारगेट सेट कर पाते हैं। तो 200 मीटर को आप 30 सेकंड यदि पूरा कर पा रहे हो, तो फिर 400 मीटर को आपको 1 मिनट में पूरा करना है। जब आपको लगे कि मैं 400 मीटर की दौड़ को 1 मिनट में पूरा कर पा रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। 400 को 1 मिनट में, 800 को 2 मिनट में, और 1200 को 3 मिनट में, और 1600 को 4 मिनट में, मतलब अप्रोक्स हम 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ को पूरा कर लेते हैं। और भर्ती देखने जब जाते हैं तो भर्ती के अंदर क्या होता है, वहाँ 1600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट में पूरी करने के लिए टारगेट दिया जाता है, जबकि मैं आपको 5 मिनट में ले दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप 4 और 5 के बीच में दौड़ को पूरा कर लोगे, तो आप इसी तरह टारगेट सेट करके आप दौड़ की प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। फिर आप एक्सीडेंट में काउंट होंगे, आपको एक्सीडेंट दौड़ कर पाओगे। ये तो हो गया आपकी दौड़ की स्पीड कैसे मेंटेन करें, कैसे बढ़ाएं। इसके बाद आपको करनी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का मतलब होता है अपनी पीठ के ऊपर कुछ वजन बांध कर फिर दौड़ें आप। पहले कम वजन बांधें फिर दौड़ें, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाएं फिर दौड़ें। किसे क्या हुआ, आपने टारगेट सेट कर, टारगेट आपका सेट है और आप वजन बांध के दौड़ रहे हो उसी टारगेट को, उसी समय को पूरा करते हुए, तो क्या होगा, आपकी स्पीड और अच्छी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि भर्ती देखना चाहते हो तो वहाँ आपको दौड़ आपकी पीठ को वजन नहीं होता, तो वहाँ आप बिल्कुल बिना वजन के दौड़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ तो वजन बांध के दौड़ा है, वहाँ आप बिना वजन के दौड़ रहे हो, तो आपको वहाँ ऐसा लगेगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ, तो आपकी दौड़ बहुत ही, आप एक्सीडेंट में आओगे, सुपर एक्सीडेंट में आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो वेट बांध के आप दौड़ें, उसके साथ साथ हो सके तो आप रेत में भी दौड़ने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रेत में दौड़ने का क्या होता है, रेत में दौड़ने से आपके पैरों की जो पिंडियाँ हैं इनकी मांसपेशी मजबूत होती है और रनिंग जंप भी ऊंची होती है, ठीक है। तो दौड़ने की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि तो रेत में दौड़ने का सबसे बड़ा कारण यह कि रेत में दौड़ने थकान भी कम होती है और पैरों के नीचे बहुत ही सॉफ्ट वालू होती है, ये इसका कारण होता है। तो करना क्या है, वेट ट्रेनिंग करनी है आपको, पीठ के ऊपर वजन बांध कर फिर दौड़ना है, इससे आपकी रनिंग और अच्छी होगी, रेत में दौड़ना है और अच्छी होगी, हो सके दोनों के साथ करें बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ये आपको करना है। और आपको देखो आजकल खान पान बहुत बिगड़ चुका है लोगों, तो आपको जब स्टेमिना बहुत काम करती है, आपकी स्टेमिना जितनी अच्छी होगी बहुत अच्छी बात, और अच्छा दौड़ पाओगे। तो स्टेमिना बनाए रखने के लिए क्या करना है, अच्छा खाना खाना है आपको, बाजार में पिज्जा क्या कहते हैं, मतलब बर्गर पिज्जा वगैरह इनसे थोड़ा आपको दूर रहना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका बॉडी का फैट का जो वेट है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी का वेट आपको कम करना है, जितना आप बॉडी का वेट कम कर पाओगे उतना आप तेज दौड़ पाओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बॉडी वेट कम करना है आपको, साथ में आपको भाई हम जब भी दौड़ लगाते हैं आपने सुना होगा, आपको फील भी किया होगा आपने कि पेट में गुठले पड़ जाते हैं, गुठले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं मुँह से सांस लेना चालू कर देते हैं। नहीं, आपको मुँह से सांस नहीं लेनी है, आपको नाक से सांस लेनी और मुंह से सांस छोड़नी है, ठीक है, नाक से लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो
क्योंकि आप जब क्या करते हो, आप मुंह से सांस लेते हो तो सांस सीधी आपके पेट में चली जाती है और आपका पेट फूल जाता है और आपके पेट में गुठले पड़ने लग जाते हैं और आपकी फेफड़ों को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, जिससे आप जल्दी थक जाते हो। तो करना क्या है, नाक से सांस लोगे तो वो सांस सीधी जो ऑक्सीजन है वो सीधी फेफड़ों पर जाएगी और फेफड़ों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगी, जिससे फेफड़े अब ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन की अब जो पूर्ति हो रही है आप और देर तक दौड़ पाओगे। जो भी आप मैराथन दौड़ होती हैं वो लोग क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं, जिससे वो लंबी रनिंग आसानी से पूरी कर पाते हैं। तो आपको भी यही करना है, मुंह से सांस छोड़ना है, लेना नहीं है। और जब आप दौड़ते हो रोज, तो रोज दौड़ने के साथ साथ ध्यान रखना आपको आराम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग आपको 8 घंटे की नींद तो पूरी लेनी है। आप दौड़ की प्रैक्टिस करते हो, रोज आप दौड़ते हो तो आपको 8 घंटे की आपको नींद कम से कम पूरी करनी है, क्योंकि दौड़ते समय बहुत सारी मांसपेशियां टूट जाती हैं और नई मांसपेशियां बनने में समय और आराम दोनों चाहिए। वहीं अगर दौड़ लगाएंगे तो मांसपेशियां टूटेंगी डेफिनेटली, है ना, और नई मांसपेशी बनानी है तो उनके लिए आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आप आराम नहीं करोगे, आपकी मांसपेशियाँ टूट रही हैं, आराम नहीं कर पे तो नहीं कर पा रहे तो नई मांसपेशियाँ नहीं बन पा रही, तो उसका क्या होगा, आपकी ताकत कम होगी खासकर पैरों की। तो नई मांसपेशियों को बनने में टाइम दें और हर 2 या 3 दिन के बाद 1 दिन आराम करें, ठीक है। 2 दिन 3 दौड़ लिया उसके बाद 1 दिन आराम करें। और रोज़ मैंने बताया 8 घंटे तो आपको कम से कम सोना चाहिए और खाने में प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। और प्रोटीन की मात्रा में कहाँ से मिलती है, हरी सब्जियाँ खाओ, दाल खाओ, इनसे प्रोटीन की मात्रा आपको अच्छी मिलेगी। और जब आप वहाँ दौड़ें तो देखो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरवल ट्रेनिंग का, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग रूटीन स्पीड की स्टेमिना को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत धावक को कुछ दूरी तक तेज दौड़ना होता है, ठीक है। इस दौरान लगे समय के आधे भाग में स्लो दौड़ना होता है, फिर तेज दौड़ना होता है। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है, ठीक है, दोहरा सकते हैं और इससे आपकी और अच्छी आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है, आप लंबा दौड़ पाते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखें। यदि आपने इन खास बातों का ध्यान रखा जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको तेज दौड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बात बताई कि आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको दौड़ कहाँ कहाँ लगानी है, आपको वेट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पीठ पे वजन बांध कर आपको दौड़ना होगा। दूसरा, आपको वहाँ भी दौड़ना होगा, बालू रेत में दौड़ना होगा, जिससे आपकी और अच्छी मांसपेशियाँ बनेंगी, आपको मजबूत स्ट्रांग होंगी। आपको नियमित एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है, नियमित आपको एक्सरसाइज करनी होगी जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। आपको अपनी बॉडी का वेट कम करना होगा, ठीक है, इससे आप अच्छी दौड़ कर पाओगे। और आराम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 2-3 दिन दौड़ें, 1 दिन आराम कर लें और 8 घंटे की नींद आप पूरी लें, ये जिससे आपकी क्या होगा, आपकी रनिंग और फास्ट होगी। तो ये तो हमने सीख लिया कि रनिंग को फास्ट कैसे करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको एक बेटर नॉलेज दे पाऊँ जिससे आप जो भी भर्ती देखें वह अच्छी आप दौड़ लगा पाएं। अगर आप इन बिंदुओं की पालना करते हैं, इन बिंदुओं को आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाता। अब बात आती है कि जब हम दौड़ लगाते हैं, हमने दौड़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, अब मैदान में जाते हैं तो वहाँ हम दौड़ पूरी नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें पेट में, ठीक है, तो है ना। अब आप कैसे वहाँ दौड़ के मैदान में करना क्या है, तो देखो मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अपने आप को 10-15 मिनट तक वार्म अप करें, मतलब दौड़ लगाने से पहले 10-15 मिनट तक एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी गर्मी का जो खून जमा हुआ है वो खून दौड़ने लग जाएगा। ग्राउंड एवं दौड़ के क्षेत्र का निरीक्षण करें, चेक करें कि दौड़ का ग्राउंड कैसा है आपका। अपने आप को प्रथम पंक्ति में खड़े होने की जगह बनाएं, तो पहले रहोगे पहले पहुंचोगे। दौड़ने के लिए फ्रंट लाइन में बाईं तरफ अपनी पोजीशन बनाएं। प्रथम ग्रुप में आने के लिए अपने विश्वास को अडिंग रखते हुए दौड़ के लिए पोजीशन बनाएं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी है तो डेफिनेटली आप किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल कर लोगे। तो मैन आपकी जो माइंड है उसको पॉजिटिव बनाएं। बेसब्री से आदेश का इंतजार करें और चौकन्ने रहें, जैसे ही वो गो बोलें आपको चौकन्ने होकर स्टेप में दौड़ को अपने हिसाब से चालू कर देना है।
क्योंकि प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, ऑर्डर मिलते ही आप विलंब भागें, दौड़ते हुए अपने आप को ग्राउंड के प्रथम ट्रैक में बिल्कुल बाएं तरफ रखें, दौड़ते समय ग्राउंड के कॉर्नर पर एक भी कदम बर्बाद मना करें, ठीक है। मतलब आपको लगातार हर कदम का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा होता है प्रोफेशनल जो रनर होते हैं 170-180 पर मिनट गिराते हैं कदम, अपने कदमों को, तो आपके 130-120 कदम गिरने ही चाहिए। दौड़ते समय अपने आप को चेस्ट अप रखें एवं विजेता महसूस करें कि आप जीत रहे हो, बस आप जीत रहे हो या महसूस करें आपकी दौड़, आपकी बॉडी हमेशा, क्यों कहते हैं कि यदि आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी बॉडी से पॉजिटिव तरंगें बाहर निकलती हैं और आपके लक्ष्य तक आपको लेके जाती हैं। रेस करते समय ग्राउंड के चारों कॉर्नर पर अपने शरीर की संतुलन लेफ्ट साइड में बनाए रखें, किसी भी धावक को अपने से आगे निकलने का मौका न दें। रेस करते समय ग्राउंड के प्रत्येक चक्कर की गणना करें, दौड़ते समय एक भी कदम खराब ना होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए कि आपके विजय का प्रतीक है, आप हताश हो गए, सब कुछ हताश हो गया, आपको हताश नहीं होना है। आप हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाओ, पर मन में रखो कि हाँ मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, और डेफिनेटली आप करके कर दोगे उस चीज़ को। अनुशासन ही आपकी सफलता का राज है। हम यही शुभकामना करते हैं कि आप जो भी भर्ती देखें, इस वीडियो को देखने के बाद आप जब दौड़ की प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो। मैं भगवान से यही आशा करता हूँ आप अपने मुकाम में हासिल हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई, फिर भी आपको लगता है कोई डाउट, आपको दौड़ लगा समय ये प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका मेडिकली या होम्योपैथिकली या आयुर्वेदिक उपचार आपको बताऊंगा। जो हुआ मेरे बेटर मुझसे, मैं आपके लिए अपनी हेल्प करूँ, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा आपके लिए इस चैनल के माध्यम से तत्पर हूँ। हमने चैनल इसी पर्पज से बनाए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान मिले, उसको लक्ष्य से मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।